47 को, पर यह कहा जाता है कि वास्तव में तो हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह से परिलक्षित हुई जब हमने अपना संविधान खुद बनाया और संविधान को लागू किया। बहुत ही सीधेपन से इसको देखें तो थोड़ा विरोधाभास लगता है, क्योंकि कोई भी नियमावली होती है, विधान होता है, संविधान होता है, उसमें नियम होते हैं, तो नियमों में बंध के आदमी वास्तव में स्वतंत्र कैसे हो सकता है, ये थोड़ा विरोधाभास लगता है। लेकिन केवल स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, हमारे देश की क्या दृष्टि है, हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो आजादी के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और आप सब लोगों को शायद जानकारी पता नहीं है या नहीं है कि हमारे संस्थापक परम श्रद्धेय पूज्य आपा जी भी उस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। तो जिन 280 लोगों ने भारत का संविधान लिखा है उसमें वनस्थली के संस्थापक परम पूज्य आपा जी भी हैं, और हमारा संविधान बहुत ही एक शालीन और जिसको कह सकते हैं एक टाइम टेस्टेड डॉक्यूमेंट है। हमारे देश को 70-75 साल हो गए रिपब्लिक बने, पर आज भी हमारे संविधान के जो मूल तत्व हैं उसमें हमारे देश के माहौल की, हमारे देश की संस्कृति की, सबका इतना सही तरीके से समावेश किया गया है। और संविधान का जो मूल भाव है वो जिसको कहा जाता है उसका प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में है, तो प्रीएम्बल में पढ़ देता हूँ उसका। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा देश किस तरह का हो इसके लिए हमारे संविधान में ये परिभाषित कर दिया है कि ये सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो अगर हम में से कोई भी व्यक्ति यदि अनडेमोक्रेटिक भावना रखता है या सेक्युलर भावनाएं नहीं रखता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि एक तरह से ये राष्ट्रद्रोह की स्थिति है, क्योंकि हमारे संविधान में ये परिभाषित है कि हमारा देश इस प्रकार का होगा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो हमको सबके लिए जस्टिस करना है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हर एक इकाई का कोई ना कोई विधान होता है, हमारे देश का भी संविधान है, हमारे जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी अपने विधान से जुड़ी हुई हैं, और कुछ लोगों को आपको जानकारी होगी कि वनस्थली विद्यापीठ का भी विधान है, यहाँ भी प्रवेश कैसे होंगे, नियुक्तियां कैसे होंगी, वित्तीय मसले कैसे निपटाए जाएंगे, सभी हमारे संविधान से गवर्न होते हैं। मेरे को कई बार लगता है कि हमारे जो साथीगण हैं, खासतौर से वरिष्ठ साथीगण, उनको जितना भी है उससे ज़्यादा पूरी तरह इस बात का एहसास होना चाहिए, और हर क्षण उनको जब भी कोई निर्णय लेने की स्थिति हो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे निर्णय सारे कार्यकलाप वनस्थली के संविधान के तहत होंगे। मैं नियमावली की बात कर रहा था कि आदमी को लगता है कि नियमावली में बंध के स्वतंत्रता पूरी कैसे हो सकती है, पर बेटा एक तरह से नियम तो सृष्टि में सभी तरह से बंद है। हमारी सृष्टि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स के नियमों से बंधा हुआ है। हम खेल खेलते हैं तो खेल के भी नियम होते हैं, खेल के नियमों के अंतर्गत हमको खेलना होता है। संगीत होता है तो वो भी सुरताल की नियमों से बंधा हुआ होता है। तो जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती, और अगर हमको कभी ये गलतफहमी हो कि भाई नियमों में बंध के हमारी स्वतंत्रता अगर कम हो रही है, तो ये गलतफहमी
हम निकाल दें। जितने हम नियमों का पालन करेंगे एक तरह से उतनी हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर पतंग उड़ रही है आसमान में और उसको डोर से जमीन से बंधी हुई है तो वह स्वच्छंद आसमान में उड़ सकती है, परंतु यदि पतंग ये सोचे कि भाई मैं तो और ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ और मैं तो डोरी से बंधी हुई हूँ और वो चाहे कि डोर टूट जाए तो क्या वो और ऊपर जा पाएगी? उसकी पतंग निश्चित है, वो पतंग एक कट के उसकी दिशाहीन हो जाएगी, जहाँ हवा ले जाए एक दो मिनट वो उड़ सकती है, बाकी उसका पतन धरती पे गिरना निश्चित है। तो पतंग कभी ये महसूस नहीं कर सकती कि क्योंकि मैं डोर से बंधी हुई हूँ इसलिए मैं और ऊंची उड़ान नहीं भर पा रही हूँ, बल्कि जब तक वो डोर से बंधी हुई है, धरातल से जमीन से जुड़ी हुई है, तब तक ही उसका उड़ना सार्थक है। हम जीवन में कई तरह के प्रयास करते हैं, हम यहाँ अध्ययन करने आए हैं, हम पढ़ाई करें, हम आगे कुछ काम करने लायक बने, जीवन में आगे बढ़े, परंतु बेटा अंतोगत्वा हम सब ये चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी व्यक्ति ये नहीं होगा कि जिस भी तरह से हम चाहें हमारा जीवन प्रसन्न रहे। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय है जहाँ पे एक कोर्स होता है जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा बच्चे उसमें रजिस्टर करते हैं, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो आदमी को प्रसन्न कैसे रहा जाए उसके कुछ नुस्खे, उसके कुछ अनुभव उस कोर्स में शेयर किए जाते हैं। प्रसन्न रहने के भी जो नियम है, जो हमारी देश का विधान है, विद्यापीठ का विधान है, परंतु संपूर्ण सृष्टि का भी विधान है, मानव ज्यादा प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके क्या नुस्खे हैं, ये भी विधान से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये भी कोई हम कार्य कुछ और करें, मेहनत करने से कसर, शारीरिक मेहनत हो, मानसिक मेहनत हो, तो हम किसी भी काम में अगर जुटे रहे पूरी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से करेंगे तो एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, जो कि आप सब लोगों ने इतनी तैयारी करके मेहनत की है आज, और आपको आज क्या प्रदर्शन के लिए तो मैंने बधाई दी है, पर हमारे चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक बाहर से कोई गेस्ट आए थे तो उन्होंने पूछा कि साहब आपके यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत भव्यता से मनते हैं, और मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि जिस जोर शोर से तैयारी हो रही है वाकई में उस दिन का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। तो केवल आज का प्रदर्शन नहीं, जो मेहनत हम लोगों ने की है, हमारे युवा समारोह के दल, खेलकूद के, घुड़सवारी के जो बच्चे हैं, सभी लोग, जितना हम लगनता से, मेहनत से काम करेंगे उतना ही हमारा एंडोर्फिन ज्यादा निकलेगा हमारे मस्तिष्क में और हमारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। इसके विपरीत है, अगर हम ये चाहें कि हम आलस करें, हम काम चोरी करें, लापरवाही करें, तो उससे हमको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं मिलने वाली है।